दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको UPPCL का बिजली बिल चेक करके ऑनलाइन दिखाने वाला हूं नए तरीके से और नए वेबसाइट के थ्रू। दोस्तों जो पुरानी वेबसाइट थी पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, अब आप उस वेबसाइट के थ्रू कोई भी काम बिजली से रिलेटेड नहीं कर पाएंगे। कुछ दिनों से नोटिस जरूर करते होंगे, जैसे ही आप अपना बिजली बिल चेक करने के लिए जाते हैं या पेमेंट करने के लिए जाते हैं, जैसे ही आप अपना 12 डिजिट का अकाउंट नंबर फिलअप करते हैं, वैसे ही वहाँ पर कंज्यूमर ट्रांसफर टू RMS या माइग्रेट अकाउंट कुछ इस तरीके का मैसेज आपको देखने को वहाँ पर मिलता है। तो ऐसे में आप अपना ना तो बिजली बिल चेक कर पाते होंगे ना ही पेमेंट कर पाते होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको नए तरीके से दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप अपना बिजली बिल निकाल सकते हैं और साथ ही उसको पेमेंट भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लाइव करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। नए वेबसाइट के थ्रू अब आप अपना बिजली से रिलेटेड जितने भी काम है आप इसी वेबसाइट के थ्रू कर पाएंगे। दोस्तों जो पुरानी वेबसाइट थी दूसरे तरीके से थी, उसका जो डैशबोर्ड था वो दूसरे तरीके से, आपको पता भी होगा, आपने चेक भी किया होगा। आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि बिजली बिल अगर आपको चेक करना है, निकालना है कि आपका कितना बिल अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर पेज को जूम इन करना है। यहाँ पर इंस्टा बिल पेमेंट का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, इस वाले ऑप्शन पर हमें टैप करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर डिस्कॉम नेम में आपको अपना जो विद्युत विभाग है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसा कि मेरा मध्यांचल है तो मैं मध्यांचल को सिलेक्ट करता हूँ। देन उसके बाद में नीचे आपको अकाउंट नंबर फिल करना है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप जो पुराना अकाउंट नंबर था जो 12 अंकों का होता था, 12 डिजिट का, अब वो अकाउंट नंबर यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। दोस्तों जो 12 अंकों का पहले अकाउंट नंबर होता था उसके थ्रू अब आप ना तो बिजली बिल चेक कर पाओगे, पेमेंट कर पाओगे, कुछ भी आप बिजली से रिलेटेड नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको नया अकाउंट नंबर फाइंड करना होगा। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर के वीडियो को चेकआउट करिए और अपना जो 10 डिजिट का जो अकाउंट नंबर है उसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और अकाउंट नंबर प्राप्त करने के बाद में आपको इस बॉक्स में अकाउंट नंबर को फिल करना है। अकाउंट नंबर फिल करने के बाद में आपको नीचे यहां पर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको आपको 3+1 है तो यहां पर 4 को फिल करना है। देन उसके बाद में यहां पर जो व्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है व्यू वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। तो अभी आप यहां पर देख पाओगे, मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूं, आप यहां पर देख सकते हो कि मेरा जो अकाउंट नंबर है, जो नेम है, कितना अमाउंट अभी तक बिजली बिल हमारा है, वो सब कुछ हमें यहाँ पर दिखाई देता है। जो भी बिल है हमारा अभी प्रेजेंट टाइम में टोटल, वो यहाँ पर शो होता है। और साथ ही मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि अगर आपको पेमेंट करना है तो यहीं से आप इसको पेमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट, नेट बैंकिंग, भीम UPI, इस तरह से आपको पेमेंट गेटवे मिल जाता है। तो यहीं से आप डायरेक्ट ही अपना जो बिजली बिल है उसको पेमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको अपना बिल चेक करना है तो चेक करने के लिए यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ व्यू, यहाँ पर व्यू बिल का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, तो इसी वाले व्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और दोस्तों जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो बिल है आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। तो बिल शो होने के लिए यहाँ पर OTP मांगी जाती है। तो जो भी आपके बिजली में, यानी कि जो बिजली का अकाउंट नंबर है उसमें जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP सेंड की जाएगी। तो सिंपली आपको इस बॉक्स में OTP को फिल करना है और देन उसके बाद में आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों मेरी OTP आ चुकी है, मैं यहाँ पर OTP को फिल कर लिया हूँ। देन उसके बाद सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इतना करने के बाद में हमारे सामने व्यू बिल का ऑप्शन दिखाई देता है, तो हमें सिंपली इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और दोस्तों जैसे ही इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं यहाँ पर डाउनलोड फाइल अगेन का ऑप्शन पूछा जाता है, सिंपली हम डाउनलोड अगेन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो ये जो बिजली बिल है, जो हमारा बिजली से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है, वो सारा कुछ PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो रही है। डाउनलोड हो जाने के बाद में मैं आपको ओपन करके मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से वो शो होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो फाइल है PDF फाइल में डाउनलोड हो चुकी है, इसको हमने ओपन कर लिया है। और यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, जैसे हम जूम करते हैं तो यहाँ पर हमारा खाता संख्या, नेम, फादर नेम, और यहाँ पर एड्रेस, बिल नंबर, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, सारा कुछ यहाँ पर शो होता है। कितना बिल जो है प्रीवियस था, प्रेजेंट टाइम में कितना है, कितने किलो का वाट है, यहाँ पर जो कनेक्शन है वो है, मीटर हमारा ओके है या RDF, CDF किसी में इस प्रकार का है, वो सब कुछ हमें यहाँ पर जो भी स्टेटस रहता है बिजली का, वो सारा कुछ बिजली का स्टेटस हमें इस फाइल में, PDF फाइल में देखने को मिल जाता है। सो इस तरह से आप लोग जो है अपना बिजली बिल नए तरीके से चेक कर सकते हैं, मैंने आपको लाइव इस वीडियो में करके दिखा दिया। और अगर आपको पेमेंट भी करना है तो मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया कि आप वहीं से उसको पेमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों नए वीडियो में इस पर एक अभी नेक्स्ट में एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें कि मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपना जो है बिजली का जो बिजली बिल है, जो अकाउंट नंबर है, उसको आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे। क्योंकि दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के बाद में, जैसे पहले होता था रजिस्ट्रेशन,
सेम उसी तरह से रजिस्ट्रेशन होगा, थोड़ा सा इसमें जो प्रोसेस है चेंज है। तो रजिस्ट्रेशन करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो रजिस्ट्रेशन करने से आपके काफ़ी सारे जो बेनिफिट हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी कि आप जो अपना बिजली बिल्स खुद ही बना सकते हैं, सेल्फ बिल जनरेट कर सकते हैं। और साथ ही वहाँ पर अगर आपका बिजली में कुछ भी नाम गलत है तो उसको आप संशोधित कर सकते हैं, एड्रेस संशोधित कर सकते हैं, बिल अगर आपका इनकरेक्ट बन गया है या आ गया है कुछ भी ऐसा है तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे फीचर्स एडवांस जो हैं वो आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में देखने को मिल जाते हैं। अदरवाइज अगर आप इस तरह से करेंगे तो सिर्फ आप दो ही चीज़ कर सकते हैं, एक बिल को देख सकते हैं, दूसरा बिल पेमेंट कर सकते हैं, तीसरा कुछ भी आप अपने बिजली से रिलेटेड कोई भी काम को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन ज़रूर से करना होगा। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया, तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे मैं वीडियो लाऊं नोटिफिकेशन आपको मिले, फर्स्ट आप उस वीडियो को देख पाएं और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर पाएं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने लाइव देख लिया कि किस तरह से बिजली बिल को ऑनलाइन चेक किया जाता है और साथ ही इसको पेमेंट भी किया जाता है। आशा करता हूं कि जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर अगर आपके मन में कोई सवाल है सुझाव है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको बिजली से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम अपनी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।